हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेई प्री के रिजल्ट के बारे में। 2024 कब तक आ सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आप ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं। देखो, जो डाटा उसके हिसाब से कट ऑफ बताई थी और वो 8 गुना के हिसाब से बताई थी कि 8 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे तो कितनी कट ऑफ जाएगी। मैं फिर एक बार बताता हूँ कितनी कट ऑफ जाएगी और इसमें कोई शंका नहीं करना है, इतनी ही जाएगी। ओके, अगर जनरल की बात करें, जनरल की बात करें, यूआर की बात करें तो 126 होगी, 126 यूआर की कट ऑफ होगी। ओबीसी की बात करें तो 118, ईडब्ल्यूएस की बात करें 114, एससी की बात करें तो 101, एसटी की बात करें तो 99। इतनी कट ऑफ जाने वाली है। सबसे पहली बात तो ये रिजल्ट के बारे में बात करना, 126, 118, 114, 101 और 99, इतनी कट ऑफ जाने वाली है 100%। आप रिजल्ट चेक कर लेना जब रिजल्ट आए और इस कट ऑफ को मैच करा लेना, अगर यही कट ऑफ ना जाए तो बताना। और रिजल्ट कब आएगा? देखो, रिजल्ट जो है आपका वैसे जो है 2.5 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम करा लेता है एसएससी, और एसएससी का कैलेंडर भी जारी हुआ है, उसमें बस अगस्त में किसी भी एग्ज़ाम की डेट नहीं है। अगस्त में, यानी कि अगस्त में एसएससी फ्री है, तो अगस्त में ही हमारा एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट कब आएगा सब बच्चों का वो है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आपका जुलाई में आएगा। डेट बता रहा हूँ, डेट है 18 से 20 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आएगा, 18 से 20। ओके, और जो अपडेट मिलेगी मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा बाद में। अभी जो एक्सपेक्टेड है 18 से 20। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपके कितने मार्क्स बने हैं। जय हिंद, जय भारत।